हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे ओम किशन ब्लॉग में। अभी सुबह के 8 हो रहा है तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। आज जल्दी जल्दी सो के उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी। पूरा काम झाड़ू पोछा पूरा हो गया है और आज किशन भी जल्दी उठ गया है। अभी मैं चावल बैठाई हूँ, मतलब चावल बन रहा है मेरा। अभी दाल बनाएंगे और आलू का चोखा बनाएंगे। देख सकते हैं आलू छील के रखे हम, देख सकते हैं आलू और भुजिया बनाएंगे, बस हो जाएगा। आज भी किशन के पापा नहीं है क्योंकि ड्यूटी गए हैं और मेरा पूरा ऐसे भी काम पूरा ख़त्म हो गया। सिर्फ खाना बनाएंगे जल्दी जल्दी और ये बेड सरियाना है तो मैं दाल बैठा के उसके बाद बेड सरिया लूँगी जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, हम बेड सरिया लेते हैं क्योंकि किशन मतलब उठ जग गया था लेकिन ऐसे भी सोया था, मतलब फ़ोन मोबाइल दिख रहा था। तो मैं सोच रही थी थोड़ा बाद में बेड सरियाएंगे लेकिन अभी सरिया लेते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा बेड पूरा सेट हो गया है और देखते हैं चावल पक गया है, चेक करके देख लेते हैं। किशन अभी बोल रहा है मूढ़ी खाएंगे तो उसे मैं मूढ़ी मिक्स करके दे रही हूँ। ये मिक्सचर के साथ खाएगा, उसके बाद वो खाएगा आराम से, मैं काम करूँगी। किशन को चटपटा ज़्यादा पसंद है, मतलब स्पाइसी चीज़ ज़्यादा पसंद है। फिर मीठा भी पसंद करता है, चॉकलेट ही सब तो पसंद, बच्चे का तो ज़्यादा फेवरेट होता है। लो किशन, आराम से बैठ के खाओ। फ्रेंड्स, मेरा चावल हो गया, इधर देख सकते हैं दाल है और इसमें आलू दे दिए और दाल भी पक जाएगा और आलू भी पक जाएगा, दोनों हो जाएगा एक साथ। इंडक्शन में बना रहे हैं हम ताकि गैस का बचत हो। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है मुझे मूढ़ी खाना है और मूढ़ी मैंने दिया इतना सारा अभी भी है, देख सकते हैं। और बोल रहा है अभी नहीं खाना है, मतलब जब भी लेता है मतलब थोड़ा खा के छोड़ देता है, इतना बदमाश है लड़का। देखिए कैसे खा रहा है, ऐसे खाना है, अच्छे से खाओ। फ्रेंड्स, अभी हम भुजिया काट रहे हैं, देख सकते हैं ये ककड़ोल है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं लेकिन इस हम लोग ककड़ोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। देख सकते हैं हमारा ककड़ोल और आलू का भुजिया बन रहा है। फ्रेंड्स, मैं हेना लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी मैं हेना कैसे लगाती हूँ, मतलब आपसे आप लोगों से शेयर करूंगी मैं। फ्रेंड्स, मेरा दाल है और भुजिया और आलू का चोखा और इधर चावल है, देख सकते हैं पूरा मेरा दोपहर का खाना कंप्लीट हो गया। अभी हम ये हेना लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हेना मैंने दिए ताकि इसमें लम्स ना रहे, ऐसा घोलना चाहिए। और ये लोहे के कढ़ाई में अच्छा होता है लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए इसमें भिगोई थी रात को। अभी लगा लेते हैं, लगा के है हेना नेचुरल है हर्बल, ये तो अभी लगा लेते फटाक से। अभी हम लगा लेते हैं, देख सकते हैं पहले इसे ऐसे करके मैं ऐसे लगाती हूँ। कोई लगा देने से ना फ्रेंड्स अच्छा होता है, अकेले अकेले मतलब दिक्कत होती है, फिर भी लगाना पड़ेगा। सोच रही थी है ना पिक लगा रहे तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली है तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब मेरा हाथ देखिए पूरा मेहंदी का कलर आ गया है और मैं हाथों से लगाने में मतलब ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और नहीं तो कंफर्टेबल नहीं लगता है तो इसलिए मैं हाथों से लगाती हूँ। जो कंडीशनर के लिए रखना चाहते हैं तो वो रखेंगे, 1.5 घंटे से 2 घंटे रखेंगे तो चलेगा। जो कलर के लिए रखना चाहते हैं तो मिनिमम 3 घंटे ऐसे रखना पड़ता है। आज तो बाल में शैम्पू नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे धो लेंगे, शैम्पू लगाएंगे कल। मेरा मेहंदी कंप्लीट हो गया है, मेरा जो अभी जितना भी काम है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, किशन के नहला के खिला देंगे। और आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा,
इसका रिजल्ट मैं बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कैसा है, मतलब हुआ है कैसा नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, बाय बाय।